अक्सर आप सभी लोग इसी तरह से मोमबत्ती को बुझाते हैं ना, तो अभी हम ये उतना ही करने वाले, क्योंकि हमारा दिमाग है खुराफाती, आम आदमी ये सब लोग करते हैं, तो चलो हम हमारे तरीके से बुझाते हैं केमिकलों की मदद से। तो जब तक आप, मैं सारी प्रोसेस करता हूँ, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। हेलो गाइस, मैं हूँ उर्वीस और आ चुके हैं फिर से नए और मज़ेदार एक्सपेरिमेंट में। तो अभी गाइस मेरे पास क्या है, कैंडल। कैंडल को मैंने अभी बुझाया आम तरीके से, आपने सभी लोगों ने देख लिया। तो अभी मेरे पास यहाँ पर कुछ केमिकल्स है और इस केमिकल के मदद से अभी हम इस कैंडल को बुझाने वाले हैं। तो चलो सब बिना देरी के हम हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। तो गाइज मेरे पास एक यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और बेकिंग सोडा है और एक फूड कलर है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड इस बीकर के अंदर डाल देते हैं। अभी बेकिंग सोडा डाल दिया। अभी गाइस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं। फूड कलर डाल के इसको अभी मिक्स कर देते हैं और इसको हिला देते हैं गाइस। देख लीजिए, तो अभी सिंपल से हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर मैंने आग लगा दी इस कैंडल के ऊपर। गाइस सी, अभी आग लग चुकी है। मेरे पास है पानी, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इस बीकर के अंदर। तो सी, अभी हमें कुछ नहीं करना, इसके इसके पास आना है, लगाना है। सी गाइस, आग जल चुकी है। और एक दूसरा मैजिक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो चलो गाइस फिर से अभी एक बार ट्राई फिर से करते हैं। ये चला दिया मैंने और इसी इसके ऊपर से ही ट्राई करते हैं। थोड़ा सा वाटर और डाल दिए। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए गाइस, मैं आपको पहले इसकी आवाज सुना दूँ, किस तरह से आवाज आती है ना गाइस, बेहतरीन आवाज इसकी भी। तो चलो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो।